हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके लिए खोया पनीर की रेसिपी शेयर करेंगे। पैन में ज़रूरत के हिसाब से एक या दो टीस्पून घी या बटर डालेंगे। एक तेजपात, जावित्री, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, कुछ दाने काली मिर्च रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें दो मीडियम साइज के रफली चॉप प्याज डालेंगे। दो हरी मिर्च, दो मीडियम साइज के रफली चॉप टमाटर डालेंगे। लहसुन की कलियां डालेंगे, रफली चॉप अदरक डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज और टमाटर नरम हो जाएं। पैन को ढक देंगे। जब तक प्याज और टमाटर पककर नरम हो रहे हैं, मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं। हमने कुछ टुकड़े काजू के भिगो दिए हैं, इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालते हैं। खरबूजे के बीज, इन्हें भी हमने भिगो दिया था, इसे ऐड करते हैं। इसकी मात्रा 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून ग्रेटेड नारियल, इसे ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सफेद तिल, इसे हमने भिगो दिया था, इसको ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को फाइन पीस करके पेस्ट बना लेते हैं। प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं। बर्नर का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने पर पीस करके इसे इसकी फाइन प्योरी बना लेंगे। दूसरा पैन लिया है। दो टीस्पून देसी घी डालेंगे, आवश्यकता अनुसार तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दें। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज और टमाटर की बनाई गई प्योरी डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे, हमने प्याज और टमाटर को पकाते समय नमक डाला था। हमने मावे को ऐड कर दिया है, इसे तेल निकलने तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। हमें पैन को लगातार चलाते रहना है ताकि मावा जो है वो कभी को न लगे। बर्नर का फ्लेम लो रखेंगे। पेस्ट को पकाने में थोड़ा समय लग सकता है, इसे ढक देते हैं। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। पेस्ट से तेल रिलीज होने लगा है, हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। मिश्रण में शाही पनीर मसाला 1 टीस्पून ऐड करेंगे। गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। अब हम इसमें काजू, खरबूजा और नारियल तथा सफेद तिल की बनाई गई प्योरी को हम ऐड करेंगे। यह पेस्ट काफी स्टिकी होता है, इसलिए पैन को लगातार चलाते रहें।
प्योरी से तेल पूरी तरह से निकल आया है। अब हम इसमें 500 ml दूध ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से पका करके गाढ़ा कर लेंगे। प्योरी पूरी तरह से पक चुकी है, इससे तेल निकल आया है। अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर, इसे हमने चंक्स में काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। पनीर ऐड करने के बाद हम करी को बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस हम पनीर को नरम होने तक इसे पकाएंगे। ज्यादा पकाने से पनीर टूट सकता है। मावा पनीर को हमने प्लेट में लगा दिया है। हरे धनिए से इसकी गार्निशिंग करेंगे। मावा पनीर तैयार है।